उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में बुलंदशहर रोड स्थित IMIT कॉलेज में मास क्लब का 15वां इंटरनेशनल सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मंच का संचालन हाजी मोहम्मद इस्माइल ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के पूर्व चेयरमैन व विश्वविख्यात शायर नवाज देवबंदी रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए शायर नवाज देवबंदी ने कहा कि हमें हर हालत में अपने बेटे और बेटियों को शिक्षित करना है ताकि उनकी नस्ल शिक्षित हो। और उन्होंने कहा कि आज के समय में हर बेटे और बेटी को शिक्षित होना जरूरी है। शायर नवाज देवबंदी ने माँ के बारे में भी बताया, सुनते हैं माँ के बारे में उनका क्या कहना है। नहीं होता था तो मान लीजिएगा मुझे अगर 10 रुपए मिल रहे हैं तो मैं पहले कह देता था कि 8 रुपए मिल रहे हैं वहां तो। हालांकि मेरी अहलिया बहुत चौकस है, जैसे ही मैं रात को लौटू वेस्ट कोट उतारू सबसे पहले मुझे कहेंगे, जैसे ही मैं बाथरूम जाना चाहूं सबसे पहले वेस्टकोट की तलाशी और मेरे कुर्ते, झूठ बोलने का मौका। तो मैंने क्या किया कि मैं लौटते ही अपनी वालदा के पास कुछ पैसे रख देता कि अम्मा ये रखिए। अच्छा पैसे रखता था, जमा करता रहता था, कहता ये था कि अम्मा आपके लिए, और फिर अपनी अम्मा से उधार दिया करता था। अच्छा अम्मा का उधार कभी दिया नहीं मैंने, अम्मा हमेशा कहती थी कि भाई तू उधार तो लेता है, देता नहीं। लेकिन माँ बाप लेना नहीं चाहते, देना ही चाहते हैं। मेरे अजीजों, देने वाले रहा करो, मांगने वाले ना बनो। जब तक इशार करने वाले बनोगे, देने वाले बनोगे, बहुत अच्छे हो जाओगे, बहुत अच्छे हो जाओगे। तो मेरी वालदा का इंतक, मैं जब आता था तो मैं सबसे पहले अपनी वालदा का हाथ पकड़ के एक बात पूछा करता, जिसमें ना किसी लाइसेंस की जरूरत थी ना किसी पैसे की जरूरत थी। मैं हाथ पकड़ते ही कहता था कि अम्मा आप कैसी हैं। मैं जैसे ही पूछता था कि अम्मा आप कैसी हैं, मेरी अम्मा कहती थी मुझे क्या हुआ, मैं तो बहुत अच्छी हूं। सिर्फ इतने से काम की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर का जो नवाज देवबंदी है वो पनपता रहता था, वो बड़ा होता रहता था, वो ऊंचाइयों को छूता रहता था। तो जब मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, मेरे साथ मुश्किल आ गई कि मैं पैसे कहाँ रखूं। अब अगर एलिया को पता चल गया कि पेमेंट इतना मिला तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने अपनी लाइब्रेरी की किताबों में रखना शुरू किया, जैसे ही मेरी एलिया चाय लेने जाए, खाना लेने जाए, फौरन जल्दी से निकालूं पैसे, 2000 रुपए निकाले और किसी किताब में रख दूं। जब मैं अपनी अम्मा को पैसे देता था तो अम्मा कहती थी कि अल्लाह करे तुझे खुदा इतना दे के रख रख के भूले। मेरी समझ में नहीं आता था कि ये कैसी दुआ देती है अम्मा, रख रख के कौन भूल। जब मेरी वालदा का इंतकाल हो गया तब मुझे समझ में आया कि माँ बाप अगर कोई नामुमकिन दुआ भी दे दे तो अल्लाह ताला उसे भी कबूल करता है। मैं भी किताबों में रख के पैसे भूल जाता था, किसी दिन कोई किताब खोली पता चला 2000 रुपए रखे हैं, 3000 रुपए रखे हैं। तो माँ बाप मास क्लब के 15वें इंस्टॉलेशन सेरेमनी कार्यक्रम में हापुड़ नगर पालिका परिषद के पूर्व सभासद सलाउद्दीन मेवाती को चेयरमैन और डॉक्टर अकील मलिक को सचिव तथा वाइस चेयरमैन, डॉक्टर कोसर इकबाल जॉइंट सेक्रेटरी रॉबिन अंसारी को व कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी चौधरी जुबैर को सौंपी गई और इस अवसर पर शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। हापुड़ से ATC फास्ट और कॉस्मिक न्यूज के लिए चंदन सिंह के साथ बलविंदर सिंह की खास रिपोर्ट।